ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है ना, सबको मालूम है। पहले जब इसको जलाएंगे तो जलाने से पहले इसको साफ़ करते हैं, ये हमारा सैंड पेपर है, ठीक है। क्यों साफ़ करते हैं पता है किसी को, बताओ। हाँ, क्योंकि ये एक तो अभिक्रियाशील धातु है ना, रिएक्टिव मेटल है, तो इसके कारण से अगर ये रिएक्टिव मेटल है तो क्या होगा, ये जो आसपास के एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्शन करता है, और इसके ऊपर कौन सी परत बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और ये ऑक्साइड की परत जब तक रहेगा ना ये जलने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहले परत हटाएंगे फिर जलाएंगे इसको, और इसकी लाइट को कोशिश करेंगे कि ना देखें ज़्यादा, क्योंकि बहुत चमक होती है जलते टाइम। और ठीक है, थोड़ा हवा चल रही है, शायद टाइम भी लग जाए इसमें, बट जल्दी हो जाएगा, अब ये भी नहीं पता चलता। जल रहा है, देखो इधर उधर ज्यादा मत देखना, क्योंकि फिर ये जब तक जलता रहे जब तक ये पूरा जल ना जाए। ठीक है, ये जल गया, तो अगर देखो इसका कलर वाइट हो गया, और हमारे पास जो ये इकट्ठा हुआ है, ये दिख रहा है, ये क्या है, क्या ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये था ना हमारे पास मैग्नीशियम था, और मैग्नीशियम को जब हमने जलाया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद क्या बनाइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलर देख रहे हो, वाइट है, ठीक है। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, देखो इकट्ठा कर लिया मैंने, ठीक है। ये है, अब ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें क्या डाल रहा हूं मैं, पानी, जल डाल रहा हूं ना, H2O। अब H2O डाल दिया, ये क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, नहीं वो तो पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बोलते क्या है इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है ना, क्योंकि मैग्नीशियम को जलाने पर इसका जो कलर है ना थोड़ा सा वाइट हो गया ना, वाइट के कारण से इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल जो रिएक्शन हुई है देखो क्या क्या हुआ, इसमें हमने क्या किया, मैग्नीशियम था, ठीक है, रिएक्शन हुई है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपको पता है जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय, बेसिक नेचर के होते हैं ना, तो ये इसका नेचर जो हो गया, ये हो गया बेसिक नेचर, क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया, यही है ना। अब क्या करेंगे, हमने लिया था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या डाला उसमें, H2O, तो MgO प्लस में H2O, तो अब इसमें देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो MgOH होल ट्वाइस, तो इसका नेचर भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए ना। अब सुनो, ये क्षारीय है कि नहीं, इसके लिए चेक करने के लिए एक इंडिकेटर आता है, दिख रहा है ना इंडिकेटर, क्या है ये इंडिकेटर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, रीज़न ये है क्योंकि ये चेक कर सकता है कहाँ से, क्षार को भी चेक कर सकता है, अम्ल को भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये इसमें pH मान लिखे हुए हैं, ठीक है, रेड कलर में है, फिर धीरे धीरे करते करते देखो 5.5, 6.0, 6.5, 7, 7.5, तो आपको मालूम है कि 7 से जब ऊपर होता है ना, 7 से ऊपर होता है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और आपको पता है कि ये क्षारीय प्रवृत्ति का है, इसका मतलब कि कलर कैसा आना चाहिए, मुझे देख के बताओ, ग्रीन के पास आना चाहिए ना, ग्रीन कलर। और अगर ज़्यादा क्षारीय है 10 के आसपास तो कैसा आना चाहिए, वॉयलेट या ब्लू आना चाहिए। तो चेक करेंगे अगर ये क्षारीय है ज़्यादा तो इसका कलर कैसा आना चाहिए, ब्लू,
है ना, ग्रीन या ब्लू आना चाहिए, ज़्यादा है तो चेक करते हैं, जूम कर ले इसको, देखना ठीक है, मैं मिला देता हूँ उसमें, क्योंकि देखो दिख रहा है, ध्यान देखना इसका कलर कैसा, ग्रीन है ना, इसमें देखो कैसा कलर है, ब्लू है ना, इसका मतलब क्या है, इसका नेचर क्या है, शारी नेचर का है, देखो है ना, ये शार है, तो इसका मतलब ये पता चला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी किस नेचर का है, शारीय, बेसिक नेचर का है, शारीय प्रवृत्ति का है, और इसका कलर मैच करेंगे, अगर आप इसमें देखो कलर मैच करके देखो तो ये किसके आसपास मैच हो रहा है, 11 के, है ना, 11, तो इट मीन्स कि इसकी जो पीएच वैल्यू है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 11.0 है, ये है, समझ आया सबको, ये है।